हेलो, माय नेम इज़ ज़ुबैर के खान और मैं बेसिकली भोपाल से बिलोंग करता हूँ. वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग की थी अपनी, फिर उसके साथ साथ मॉडलिंग में किया, फिर उसके बाद फिर मिस्टर इंडिया 2012 ग्रासिम रह चुका. मॉडलिंग के बाद थिएटर्स किए थे हबीब तनवीर सर के साथ में, देन आई शिफ्टेड इनटू एक्टिंग कम्प्लीटली. फिर आफ्टर बॉम्बे फिर धीरे धीरे शबर स्टार्ट हुआ और मेरी एक फिल्म आई थी लेकर हम दीवाना दिल, सैफ अली खान प्रोडक्शंस की, उसमें कैमियो किया था. लेकिन इतने बड़े डायरेक्टर, इतने बड़े प्रोडक्शन है, उसके साथ काम करने का मौका मिला. फिर एपिसोडिक्स करता रहा, पैनासोनिक का ऐड किया रणबीर कपूर सर के साथ में, फिर गार्नियर किया, फिर रेमिंस का 1.5 साल तक ब्रांड एम्बेसडर रहा. और फिर उसके बाद फिर मैं जर्नी हैज बीन स्टार्टेड एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे काम मिलता गया, तो फॉर्चुनेटली फिल्म्स मिली. एक फिल्म है द ड्रीम जॉब करके, वो भी मई में रिलीज़ हो रही है. और फिर आखिरी सौदा है जो आपके सामने है, एक सोल है पेन एंड कैमरा इंटरनेशनल की महमूद अली की, वो भी कंप्लीट हो गई. टीवी भी किया मैंने, अभी प्रेजेंटली आई एम शूटिंग फॉर कसम, बालाजी टेलीफिल्म्स का है, जो कलर्स पे आता है मंडे टू फ्राइडे डेली शो पे रात को 10 बजे. बाकी आपके सामने खड़ा, दैट्स इट, आप लोगों की दुआओं से. जी जी, एक्चुअली बोल्ड इज जो डोले शोले हैं, इतनी टाइम मेहनत किए जाती है, तो आई थिंक सलमान भाई के अलावा, सलमान सर के अलावा, अब तो आज तो ट्रेंड हो गया है शायद इंडस्ट्री का, कि शायद लड़कियों को एक्सपोजिंग की ज़रूरत नहीं है, लड़कों को भी ज़्यादा है. और अगर लड़कों कर लिया तो अपने आप फीमेल ऑडियंस आ जाती है. तो आई थिंक स्टोरी की डिमांड थी समटाइम्स, एंड समटाइम्स मैंने फुटेज खाया फ्रैंकली. तो और रिगार्डिंग द कैरेक्टर, कैरेक्टर इज़ वेरी बहुत सीधा साधा है. अपने दोस्तों के लिए बहुत लॉयल है, अपने माँ बाप के लिए बहुत लॉयल था, अपनी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है. उसके बाद फिर हाउ द सर्कमस्टेंसेस हैज मेड हिम टू डू ऑल दी सीक्वेंसेस फॉर कि वो कैसे जाके मनी के क्राइसिस में फंसता है, अपने दोस्त पे ट्रस्ट करता है, एंड में जाके उसके पीठ पे खंजर घोंपा जाता है और उसका दोस्त ही उसको फंसा देता है. सो बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्विस्ट है फिल्म में, बहुत ज़्यादा ग्रिप है, जो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. बाकी पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकता हूँ मैं. जी जी जी, इन्जॉय तो एक्चुअली मैं जहाँ भी काम करता हूँ उसको इन्जॉय करता हूँ. आई फील एक्टिंग इज़ अ पिकनिक टू मी, सो जहाँ भी जाऊँ जो भी करूँ दिल से करूँ. और स्पेशली आखिरी सौदा इसलिए दिल से ज़्यादा जुड़ी हुई है क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स उनका चाहिए था मैं. तो इट्स अ स्टोरी ऑफ लव, ट्रस्ट, बिट्रेल, एंड देखा जाए तो सच्चाई पे चलो तो सच्चाई की जीत होती है, बेसिकली वही स्टोरी है. जी मेरे साथ में भावना चौधरी करके हैं, तनवी नाम रखा है उन्होंने इंडस्ट्री के लिए. आर्यन है, आर्यन चोपड़ा, उसका लुक बहुत अच्छा है, उसने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है. सोनिया बवेजा है और बाकी नोन कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, एहसान सर हैं, मुसाक सर हैं. सो सबकी केमिस्ट्री अच्छी हुई, सब लोगों ने अच्छा काम किया, अच्छी फिल्म बनी. अब ऑडियंस के ऊपर है कि वो क्या रिजल्ट देती है हमें. जी जी जी, आप करण की तो बात नहीं, आई डोंट नो किसकी बात कर रहे हैं. एक्चुअली मैं क्या जानता हूँ कि मेरे हिसाब से अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम करोगे तो ऑडियंस अपने आप डिफ्रेंशिएट कर देती है कि किसका काम क्या है. हर इंसान अच्छा काम कर रहा है, मैं तो यही चाहता हूँ हर इंसान अच्छा काम करे, तरक्की करे. तो बेसिकली लुक वाइज तो लुक तो बना दिया जाता है फिल्म के लिए, जो मेरा शायद सौदा के लिए बना दिया गया था. तो रिजेंबल हो सकता है बट मेरी ओन आइडेंटिटी है. जैसे मैं शाहरुख सर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, तो वो कहते हैं कि आप बेस्ट होंगे बट मैं आपसे थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट हूँ. वही चीज़ है मेरे अंदर बस. जी 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 सर, बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग अगर टीवी करते हैं तो इट्स नॉट बैड, बट द थिंग इज़ लाइक आपको एक्टिंग और पॉलिश होती है एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हो, एक्टिंग पॉलिश होती है, बड़े बड़े बैनर्स के ऑफर आते हैं, उसके अलावा आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है एक अच्छा, सो दैट हाउ यू कैन ग्रो योर सेल्फ, ग्रोथ होती है आपकी बहुत अच्छी. तो आई थिंक इनिशियली जो स्टेज थी कि आप टीवी से फिल्म नहीं कर सकते, वो आज दायरा टूट गया है. लोग आपके जितने टीवी से ऑडियंस बनता है, लोग जुड़ते हैं, वही जाते हैं थिएटर्स में देखें, क्योंकि इतनी सारी फिल्म हैं तो कुछ तो टीवी वालों को फ़ायदा मिलना चाहिए ना. मैं अभी कसम कर रहा हूँ बालाजी का,
उसके बाद मेरी एक सोल आ रही है पेन एंड कैमरा इंटरनेशनल की. मई में मेरी एक और फिल्म आ रही है द ड्रीम जॉब नाम की, जिसमें द ड्रीम जॉब ऐसे नाम बताया गया, उसमें बैंकर प्ले किया मैंने, बैंकर टर्न बिजनेस मैन, वो भी काफ़ी अच्छी फिल्म है. तो चार फिल्में हैं और टीवी शो तो चल ही रहे. दैट्स इट. थैंक यू. वेलकम. यू वेलकम. थैंक यू.